हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्रेन बक्स। माय नेम इज योगेश अरोड़ा और आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। सो देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। सो एंगुलर मोमेंटम इज जस्ट लाइक लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या था तो पहले हम उसका फॉर्मूला की बात करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था पी इक्वल टू एम इंटू वी। अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। इससे पहले वाला वीडियो वो हमारा एंगुलर मोमेंटम सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ही है, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं जाकर, ठीक है। सो ये आर है, ये पी है और उनके बीच का एंगल थीटा है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसकी, डायरेक्शन निकालेंगे बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे, ओके। सो एल इक्वल टू आर क्रॉस पी को मैं आर पी साइन थीटा भी लिख सकता हूं, ठीक है। और आर पी साइन थीटा को पी इंटू आर साइन थीटा भी लिखा जा सकता है, जिसको हम आगे चलकर ऐसा भी लिख सकते हैं मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि थीटा 90 हो जाए सो एल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल का फॉर्मूला आ जाएगा एम वी आर साइन 90, और साइन 90 हो जाएगा इसके इक्वल टू 1 के, सो ये फॉर्मूला हो जाएगा एम वी आर। कई बार यहां भी आपको आर परपेंडिकुलर वो मिल जाएगा क्योंकि थीटा क्या है 90 डिग्री है। आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यदि मैं वी को एक ओमेगा आर लिख दूं, इफ वी इक्वल टू ओमेगा आर देन एल का फॉर्मूला क्या आएगा, देन एल का फॉर्मूला आएगा एम वी, वी की जगह हमने ओमेगा आर लिख दिया, ठीक है। देन एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा एम वी ओमेगा आर स्क्वायर। यहाँ एम आर स्क्वायर क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है आई। सो एल किसके इक्वल हो जाएगा, एल विल बी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ठीक है। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। यूनिट किसके बराबर होती है, सो यदि यूनिट की बात की जाए सो एम किस में है, एम है हमारा के जी में, वी किस में है, वी है मीटर सेकेंड इनवर्स में, और आर भी किस में है मीटर में। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। सो सेकेंड इनवर्स यदि मैं ऊपर नीचे सेकेंड का मल्टीप्लाई कर दूं सो इट विल बी इक्वल टू के जी मीटर स्क्वायर, सेकेंड का मल्टीप्लाई करा सेकेंड का डिवाइड करा, और के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू क्या होता है जूल, तो जूल इंटू सेकेंड किसकी यूनिट होती है, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये एक बार पूछा भी जा चुका है कि जूल सेकंड इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट को मैं हाईलाइट करके इस बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब हमारे क्वेश्चंस के अंदर मेन क्वेश्चंस क्या आता है, मेन क्वेश्चन आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। देखिए कैसे, तो बोला गया एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए लाइन y इक्वल टू 3, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट ओरिजिन विल बी ऑप्शन ए इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी कॉन्स्टेंट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है। ये चार हमें ऑप्शन दिए गए हैं। सो देखिए इस केस में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो वो सुनिए कि सपोज कीजिए इस तरह से हमारे पास ये है एक्सिस और यहां पर है ओरिजिन। So, हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो y इक्वल टू 3 की ओर चल रहा है, तो y इक्वल टू 3 की लाइन हमारे पास यहाँ है।
सो दिस इज द लाइन y इक्वल टू 3 और वो यू जा रहा है ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है, m मास से v वेलोसिटी से, और ये लाइन है हमारी y इक्वल टू 3 की। सो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये तो होगी हमारे p की डायरेक्शन, ये है हमारा o, तो आप क्या करिए o से p पर एक परपेंडिकुलर रखें, तो o से p पर एक परपेंडिकुलर रख दीजिए, o बचा देता हूं m, दिस om ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो कि कितनी रहेगी, हमेशा 3 रहेगी। सो एंग्लो मोमेंटम फॉर्मूला क्या था, एम वी आर परपेंडिकुलर, सो कितना आएगा m इंटू वी और r परपेंडिकुलर हो गया 3, तो l कितना आएगा, l आएगा 3 एम वी विच इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो ये हमारा हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। सो ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एयरफोर्स के अंदर, और साथ साथ ऐसा क्वेश्चन लिविशन में भी है, और उसमें एक बार आंसर गलत दे रखा है और एक बार सही दे रखा है, तो इसका आंसर होगा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अभी सपोज करिए इसी क्वेश्चन में बदलू और ऐसा लिखू कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड वी, एक कॉन्स्टेंट स्पीड वी से चल रहा है, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये आपसे पूछा गया। सो देखिए कैसे करना है, तो सुने, तो ये भैया इस तरह से हम यहां हैं ओरिजिन पर, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है और यहां से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। आप सोचिए क्या इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम यदि यहां खड़े हैं तो क्या हमारी गर्दन घूमेगी उधर, आंसर नहीं घूमेगी, जबकि पिछले वाले केस में हम जब यहां खड़े होते तो ऐसे केस में हम जब इस ऑब्जेक्ट को देखते तो हमारी गर्दन घूमती, तो यहां नहीं घूमेगी, तो इसलिए यहां एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि r परपेंडिकुलर कितना है, 0। भैया सोचो p भी इसी तरफ है और r भी इसी तरफ है, तो थीटा कितना हो गया, थीटा 0 हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, mvr sin थीटा, और sin 0 कितना होता है, 0, तो इसलिए 0 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें करना होता है, सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता नहीं है करने को, लेकिन जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बात करते हैं कि बोला गया एक ऑब्जेक्ट y इक्वल टू एक्स प्लस 3 के अलोंग चल रहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 के अलोंग चल रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और उसका मास कितना है, मास है 1 kg। सो आपको बोला गया कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। सो देखिए इसमें क्या है, हमारे पास इस तरह से यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि चल रहा है, ठीक, और वो चल रहा है कुछ ऐसे, इस लाइन के लोग चल रहा है, ठीक। तो जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू कितना है, 3 है, जब y इक्वल टू 0 है तो x कितना है, -3 है, इस लाइन पर ऑब्जेक्ट चल रहा है हमारा। तो ऐसे केस में जब हमें क्या निकालना होगा, एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा, जब हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होगा एम वी आर परपेंडिकुलर। अब आर परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो आर परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर रखेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने पहले यूज किया था, और ये हमारी डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब ये 3 है, ये 3 है, तो ये कितना है, 45। अब हम R निकाल सकते हैं ट्रायंगल OMN से, पर हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताया है कि जब भी जिस लाइन के लॉग चल रहा है वहां से क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर रख दीजिए, ठीक है, इस तरह से होगा। अब दूसरे फॉरवर्ड की बात करें, अगेन दूसरे क्वेश्चन की बात करें, बोला गया कि एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है यहां पर, और वो इस एक्सिस के अबाउट यूं घूम रही है, कितने से, 20 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है, 20 रेडियन पर सेकेंड घूम रही है, इसका मास कितना है, 2 kg है, और इसका रेडियस कितनी है, 1 मीटर है। कहा गया फाइंड एंगुलर मोमेंटम, हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है।
तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, तो देखिए बच्चा पार्टी, एंग्लो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंग्लो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। सो आई किसके बराबर होगा? डिस्क है तो डिस्क का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय टू होता है, और ओमेगा कितना है 20। सो एल इक्वल टू एम कितना है हमारे पास, एम है 2 kg। आर कितना है हमारे पास, आर है 1 meter। सो 1 square upon 2 into 20। सो ओवरऑल हमारे पास आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। सो दिस विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम एंग्लो मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। ये होता है एंग्लो मोमेंटम कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, समझ आई यहां तक बात पक्का? सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंग्लो मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट आता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सो देखिए कैसे करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में चर्चा। आइए, ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क का फॉर्मूला था डीएल अपॉन डीटी, एज न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। सेम टू सेम है न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन से। यदि सपोज कीजिए टॉर्क एक्सटर्नल 0 हो जाए, तो ऐसे में एल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, इसके मतलब एल का फॉर्मूला था एम इंटू एम वी आर। सो दैट मींस एम वी आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एल का फॉर्मूला था आई ओमेगा, तो डेट मीन्स आई ओमेगा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, एल का फॉर्मूला था एम वन वी वन आर वन इक्वल टू एम टू वी टू आर टू। ठीक है, सो आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। सो ये है कॉन्सेप्ट हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो यदि एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम पर 0 है, तो उस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। इसके खूब सारे एग्जांपल हैं। जैसे पहला क्या कि यदि ऐसा एक क्वेश्चन भी है कि यदि अर्थ सडनली श्रिंक हो जाए, इफ अर्थ सडनली श्रिंक बाय 1/nth ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अर्थ का वॉल्यूम श्रिंक होके 1/nth ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, देन लेंथ ऑफ डे क्या होगी, लेंथ ऑफ डे हमसे पूछ लिया। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था नेवी सितंबर 18 के अंदर, लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है, सो कैसे करेंगे आइए इसको समझते हैं। देखो, यदि अर्थ सडनली श्रिंक हो जाएगी, तो जो मोमेंटम पहले था, वही मोमेंटम क्या होगा बाद में होगा। जो वॉल्यूम था पहले, वॉल्यूम था 4/3 πr³। ठीक है, और अब जो है, अब वॉल्यूम कितना हो गया, अब वॉल्यूम क्या हो गया, पहले वाले वॉल्यूम का, ये R1 लिख देता हूँ, पहले वाले वॉल्यूम का 1/n हो गया। सो इन दैट केस 4/3 π, 4/3 π विल गेट कैंसल। सो R2 किसके बराबर आएगा, R2 विल बी इक्वल टू R1/(n⁴)⁰। अब I का फॉर्मूला क्या होता है, अब अर्थ क्या है हमारी, एक सॉलिड स्फीयर है। अर्थ हमारी क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। सो इन दैट केस क्या होगा हमारे पास, इन दैट केस 2/5 m आर स्क्वायर होता है। तो m1, यहाँ ध्यान रखिए मास कांस्टेंट है, r1 square 2/2π/d1 इक्वल टू 2/5 m2 r2 square 2π/d2। ठीक है, सो इन दैट केस 2/5 πm 2/5 πm
2 by 2 pi will get cancel. So हमारे पास क्या आएगा इस केस में, हमारे पास क्या आएगा 2 by 5 m1 r1 square 2 by 5 m2 r2 square. अब r1 किसके इक्वल है, r1 तो r1 के ही इक्वल है, पढ़े रहने दीजिए. 1 upon t1 equal to r2 square r2 क्या है, r1 square upon n raised to power 2 by 3 into 1 by t2. So in that case r2 and r2 will get cancel. So t2 हमारे पास कितना आएगा, so t2 finally हमारे पास आएगा t1 upon n raised to power 2 by 3. ठीक है, this is the final answer and very very important. Again question कैसा आया था इसके ऊपर, question आया कि if earth volume becomes 1 by 8th of original volume, यदि अर्थ का वॉल्यूम अपनी ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/8 हो गया, देन लेंथ ऑफ डे विल बी, तब दिन की लंबाई क्या होगी. सो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, हमारे पास t2 क्या है, t2 है t1 upon n raised to power 2 by 3. सो t2 equal to t1 कितना है 24 hour, n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास 1/8, मतलब n कितना हो गया 8 गुना कम हो गया. देखिए हमने यहाँ क्या करता, 1/n लिखा था, तो n लिखा था तो कितना हो गया, n कितना हो गया, यहाँ से कंपेयर करिए, हमने 1/n लिखा था और यहाँ 1/8 लिखा, तो n कितना हो गया 8 की पावर 2/3, तो 2 की पावर 1/3, 8 का 1/3 कितना होता है 2, और 2 का यहाँ क्या हो गया स्क्वायर. सो t2 कितना आ गया, t2 आ गया हमारे पास 4. ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 सॉरी 6r, सो t2 विल बी इक्वल टू 6r. इस तरीके से ये करा जाता है. ठीक है, सो ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इसके ऊपर भी एग्जांपल आते हैं कि जब भी एक स्विमर, आपने देखा होगा कि जो कूदता है तो आपको याद रखना है स्विमर के कूदने वाला, जब भी एक स्विमर जंप करता है तो अपने जंप करते समय वो शुरू अपने बॉडी क्या करता है, खोल कर रखता है, फिर जब हम कर रहा होता है तो रास्ते में अपनी बॉडी को समेट लेता है. क्यों समेटता है, क्योंकि समेटने से क्या होगा, समेटने से उसकी जो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम हो जाएगा और ओमेगा क्या हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि देखिए आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू है. सो यदि आई वन कम होगा तो आई टू क्या होगा, ज्यादा होगा. इसके अलावा कैपलर जो है, कैपलर सेकेंड लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट. ठीक है, कैपलर का सेकेंड लॉज भी किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है. इसके अलावा यदि मान लीजिए आप एक राउंड टेबल पर खड़े हैं, ठीक है, और आप यहां खड़े हैं और अपने हाथों को आपने खोल रखा है और आपके हाथ में डंबल है, अब यदि आप अपने हाथों को अचानक से चिपका लेंगे, अपने पास कर लेंगे, तो ऐसे में आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आई के कम होने पर ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इस केस में भी क्या चीज सेम है, एंगुलर मोमेंटम सेम है. तो इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर. काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं इसके ऊपर. ये अर्थ वाला खासकर कई बार पूछा जा चुका है. इसके अलावा और भी ये जो एग्जाम्पल है मैंने इसके अंदर करवाए हैं, सर्कस में जैसे कोई घूमना स्टार्ट करता है लड़की, तो शुरू में दोनों हाथों क्या करती है, फैला के रखती है. ठीक है, फिर जब उसे अपने आपको फैला के रखती, फिर जब स्पीड पकड़ने तो अपने हाथों क्या कर लेती, ऊपर कर लेती. ठीक है, उससे क्या होता है, आई कम होता है ओमेगा ज्यादा होता है. तो ये कॉन्सेप्ट भी किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है. सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, सारे डाउट समझ आए होंगे. जब भी ना समझ आए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम चैनल पर मिल सकते हैं. सो आज का वीडियो यहाँ तक ही था. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.